हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में पढ़ाई भी करते रहिए। जैसा कि हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं स्पॉटिंग ईरर की लेके, जो कि स्पॉटिंग ईरर होंगी, बैंक की ईरर होगी, SSC की ईरर होगी और आपकी डिफेंस की ईरर होगी। आइए आज उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। तो आज का जो पार्ट है वो है 8 नंबर। जो बच्चे 7 पार्ट तक ना देखे हों जाके जरूर देख लेंगे। आइए आज का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 17 के ही आए हुए हैं, CCL के मेंस में आए हुए हैं और 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे जो बच्चे ना देखे हों जाके सीरीज सिस्टमेटिक ढंग से हमने अपलोड करा रखी है। आप भी एक अच्छी से नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को पढ़िए, तभी समझ में चीज़ें आएंगी। बीच बीच से पढ़ेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से बाबू इसमें प्रॉब्लम होगी, और जिनका बेसिक वगैरह कमज़ोर है वो बेसिक वाली सीरीज जाके ज़रूर देख लें। आइए पढ़ते हैं। गुड रोल, अच्छा रोल, भूमिका, मॉडल्स इन क्लास रूम्स एंड इन अ कम्युनिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट एज अ एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ रोल मॉडल्स इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। चलिए देखिए इसमें और बताइए इसमें क्या इरर है, क्या कह रहा है कि गुड रोल मॉडल्स इन क्लास रूम्स एंड इन कम्युनिटीज आर क्लियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट एज द एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ रोल मॉडल्स इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो एक बात देखिए, गेटिंग एक वर्ड आया और फिर एक वर्ब एजुकेट आई। नॉर्मली किसी भी वर्ड के लास्ट में एटी लगा रहता है, वर्ब होता है, जैसे एजुकेट, रेगुलेट, तो ये क्या है? वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है, गेट है, तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि गेट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ये एजुकेट तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसी को एजुकेटेड कर दें तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो सही हो जाएगा। तो एजुकेट की जगह बाबू एजुकेटेड होगा। नोट डाउन करना हो तो लिख लीजिए कि गेट के साथ या गेट की कोई भी फॉर्म हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अगर दूसरी वर्ब लगाना हो तो थर्ड फॉर्म। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। अगला देखिए क्या लिखा है। जुडाइज्म सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड्स पर्पस एंड गाइडेंस फॉर आवर लिविंग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जुडाइज्म सेज, कहता है स्पिरिचुअलिटी अत्यधिक मतलब अध्यात्मवादिता को कहता है या अध्यात्मवाद को बताता है कि इस मतलब है यहाँ है क्या है, अ प्रोसेस एक प्रक्रिया है, अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है, इन्वॉल्विंग वैल्यूज और इसमें इन्वॉल्व वैल्यूज को इन्वॉल्व करता है एंड बिलीफ सिस्टम को, और वही दैट मतलब जो प्रोवाइड्स पर्पस एंड गाइडेंस। अब देखिए दैट यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी एडजेक्टिव क्लास है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए डेली डेली आ रहे हैं, हर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन ना आए। मैंने आपको शुरू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है कि माई डियर हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हुम हो गया एंड दैट हो गया, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा उस नाउन के बाद आते हैं जिसको ये क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए इस क्लास को हम लोग पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं। क्लियर। अब ये दैट आया है और ये किसके लिए आया है, इस बिलीफ नाउन के लिए आया है, और ये नाउन है क्या, प्यूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, इसी नाउन के हिसाब से आएगी तो प्यूरल वर्ब आएगी, तो यस हटा दीजिए, यस लगाने से तो सिंगुलर हो जाएगा, तो प्रोवाइड्स की जगह प्रोवाइड होगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है हम लोगों का क्वेश्चन। एन इन एन इम्परफेक्ट वर्ड, एक इम्परफेक्ट वर्ड में विद नो नॉट सो परफेक्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस यू हैव टू प्ले, आपको प्ले करना पड़ता है योर रोल, अपनी भूमिका को द बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से यू कैन जितना कि आप कर सकते हैं, टेक एज मैनी एज
यू कैन एलॉन्ग विद यू विद एम्पैथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। थोड़ा सा देखिए, एलॉन्ग विद यू कैन, आप कर सकते हैं एलॉन्ग विद यू विद एम्पैथी एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। अब आप बताइए यहाँ पे क्या एरर है, आपको क्या लगता है? इन एन इम्परफेक्ट वर्ड, इस एन इम्परफेक्ट वर्ड विद जिसके साथ, नॉट सो परफेक्ट पीपल जिसके साथ, सो इतने परफेक्ट लोग भी नहीं हैं इस संसार में, एंड और इंस्टीट्यूशन संस्थाएं भी नहीं हैं, उसमें यू हैव टू प्ले योर रोल, इस संसार में आपको अपना रोल करना पड़ता है द बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से यू कैन, जितना कि आप कर सकते हैं, यू कैन टेक एज मैनी। अब देखिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। अब लोचा देखिएगा यहीं पे है, अब टेक कैसे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ अकेले कैसे यहाँ पे का पॉसिबल है, देखिए पूरा पढ़िए। एन इन एन इम्परफेक्ट वर्ड, इस इम्परफेक्ट वर्ड के साथ, और क्या, विथ नॉट सो परफेक्ट पीपल, और यहाँ पे जो अनुभवी या अपरफेक्ट लोग हैं उनके साथ, एंड और किसके साथ, एंड इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, यू हैव टू प्ले योर रोल, आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है द बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से यू कैन, जितना कि आप निभा सकते हैं। फिर देखिए, अब टेक लेना होता है तो नॉर्मली एज मैनी एज, उतनी बार जितना यू कैन एलॉन्ग विद यू, जितना कि आप यू कैन सकते हैं एलॉन्ग विद यू विद एम्पैथी, विद एम्पैथी के साथ, एंड अ बिट ऑफ लविंग डिटैचमेंट। तो ये टेक यहाँ पे कैसे आएगा भाई, यहाँ पे अगर टेकिंग कर लें तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, तो उतने चांस को लेते हुए ना, साथ साथ उस चीज़ों को भी करते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम नॉर्मली कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। यहाँ तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का तो कोई मायने ही नहीं रखता और ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप टेकिंग कर लें तो थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस सही हो सकता है। अगला देखिए, अगला है अर्थ रिसोर्सेस, जो अर्थ के रिसोर्सेस संसाधन वगैरह हैं, हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एंड सस्टेन। अच्छा देखिए, एंड इस तरह क्वेश्चन में डेली करा रहा हूँ, एंड जो होता है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये समान रैंक की चीज़ों को जोड़ेगा। अगर इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है तो इसके बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आना चाहिए, अगर इधर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब आना चाहिए, जो भी है वही आना चाहिए। तो आप ये देखिए, तो इधर प्रोटेक्टेड है, थर्ड फॉर्म में वर्ब है, तो इसको भी तो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो सस्टेन नहीं, आपका सस्टेन्ड होगा, यानी ईडी लगा लीजिए, इसको भी थर्ड फॉर्म बना लीजिए, एंड इन दो वर्ब को जोड़ रहा है, और बी लगा है तो बी के बाद मैंने पहले भी बताया थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको तो थर्ड फॉर्म किया है, उसको भी आप कर दीजिए तो सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर एसेंशियल वर्चुअस फॉर रियल इनर प्रोस्पिरिटी एंड। एक बात बताइए, मोर क्यों लगाएंगे भाई, मोर तो ये आपका क्या होता है, ये मोर तो आपका ये कंपरेटिव डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री का तो यूज़ हम तब करते हैं जब दो चीज़ों में या दो ग्रुपों में कंपेरिजन कराना हो, और वैसे भी कंपरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा तो लगता नहीं, आर्टिकल दा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, और वन आपके बाद नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, क्योंकि कई में से एक की बात कर रहे हैं, तो आप मोर ना लगा के यहाँ पे क्या लगा दीजिए, मोर का सुपरलेटिव मोस्ट होता है, तो कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल वर्चुअस, यानी इस कई सदगुणी चीज़ों में से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। तो जब आर्टिकल दा लगा रहता है या वन ऑफ के केस में सुपरलेटिव डिग्री आता है, और मोर का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है, हर बच्चा जानता है, अरे जब कई में से एक की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री ही तो लगाएंगे। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्या कह रहा है, द एरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग। अब मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग क्या है, नाउन है, मॉर्निंग क्या है, नाउन है, सबको पता है, इनविगोरेट एटी लगा है तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तरोताजा करना, जबकि नाउन ये वर्ब तो आगे आई ही है, कब ये नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इनविगोरेट को अगर हम ऐसे कर दें, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लें, इन बी गो
रेटिंग, तो ये सही हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर जाएगा और इसका मतलब होता है तरोताजा कर देने वाला। तो द एरोमा मतलब खुशबू, आ द इनविगोरेटिंग मॉर्निंग, ये सुबह की चाय हुए की जो सुबह की सुगंध है वो तरोताजा कर देती है, कुछ ऐसा। तो ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव चाहिए, नाउन को वर्ब थोड़ी क्वालिफाई करता है। तो इनविगोरेट तरोताजा करना ये वर्ब है, वर्ब की जगह हमने इसका एडजेक्टिव इनविगोरेटिंग कर लिया। अब बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था कि इसका एडजेक्टिव क्या होता है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि नोट्स आप बनाते चलिए, इनविगोरेट वर्ड वर्ब है, इनविगोरेटिंग इसका एडजेक्टिव होता है, तो चीज़ों को धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे तभी तो एक दिन आएगी चीज़ें। लैंग्वेज है भाई, इतना आसानी से थोड़ी आएगी। अगला देखिए, अगला है अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड परसिवरेंस। एक बात बताइए, फिर वही केस आ गया एंड टूवर्ड्स गोल, तो ये एंड आया ना, मैंने अभी अभी पहले ही कहा था एंड आया ना, तो जब एंड आया तो अभी पीछे क्वेश्चन कराया तो था कि एंड हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है, अगर वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए टू के साथ इन्फिनिटिव लगाया है, फोकस द विल टू फोकस, द विल यहाँ पे ही नाउन है, ठीक है, टू फोकस, तो ये वर्ब भी तो आपका क्या आना चाहिए, वो वर्ब भी तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जब ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो परसिवरेंस, ये तो नाउन है, परसीवर कर दीजिए तो सही हो जाएगा, परसीवर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एंड से दोनों पैरेलल हो जाएंगे। समझ आ रही है चीज़ें, क्लियर हो रहा है? अरे एक ही कॉन्सेप्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है, हर दिन इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एंड हमेशा समान चीज़ों को जोड़ता है, जैसी चीज़ें इधर होंगी वैसी ही चीज़ें इधर होंगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो समान रंग की चीज़ों को जोड़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी समस्या है फेस्ड, जो फेस करती है बाई ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, जो कर रही हैं सारे डेवलपिंग देश, विकासशील देश, इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग के मैन पावर यानी मानव की शक्ति, ये क्या है, नाउन है, ट्रेनिंग आपको आईएनजी में दिख रहा है, तो ये ट्रेनिंग तो होता है ना, ट्रेनिंग कहते नहीं ट्रेनिंग पे गए हैं, ट्रेनिंग मतलब तो होता है प्रशिक्षित करना किसी को या प्रशिक्षण देना, जबकि कह रहा है कि जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनकी बात, तो ट्रेनिंग की जगह आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेंड मैन पावर यानी जो ऑलरेडी जिनको ट्रेनिंग मिल गई है। मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि दो एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाने से बनता है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। फिर मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है पीछे के वीडियो में, मैंने कहा आई सा रनिंग टाइगर, तो मैंने दौड़ते हुए टाइगर को देखा, तो यहाँ रनिंग जो आई एन जी का काम कर रहा है वो एडजेक्टिव है, टाइगर की विशेषता बता रहा है, वो काम उस समय हो रहा है। जब कोई काम उस समय हो रहा होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, लेकिन जो काम हो चुका हो उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आई बाट अ ब्रोकन चेयर, कैसी चेयर खरीदा, ब्रोकन चेयर जो ऑलरेडी टूटी थी। तो यहाँ पे मैन पावर ऐसी शक्ति की कमी है जिन जो ऑलरेडी ट्रेंड है, ट्रेनिंग देना यहाँ प्रशिक्षित करने की बात नहीं है, वो ये कह रहा है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी समस्या है फेस जो फेस की जा रही है बाई ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, जो सारे विकासशील देशों के द्वारा जो जिस चीज़ को फेस किया जा रहा है, वही प्रॉब्लम इज मतलब है द लैक ऑफ, वो कमी है किस चीज़ की वजह से, आप ट्रेंड मैन पावर ना, यानी आदमी जो शिक्षित नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है अच्छे से, जिन्हें ट्रेंड नहीं किया गया है, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो इंसान है जो मैन पावर की शक्ति है वो ऑलरेडी ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड करिए, ट्रेनिंग थोड़ी देना है, ट्रेंड मैन पावर यानी प्रशिक्षित लोग, क्लियर। अगला देखिए, अगला जो है आपका वो ये कह रहा है कि द मोर ओबियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इस संसार का, फिर देखिए आप आर्टिकल द लगा है, तो मोर ये तो कंपेरेटिव डिग्री है, क्या है मोर, कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री आर्टिकल द के साथ थोड़ी ना नॉर्मली आते, सुपरलेटिव करिए, तो द मोस्ट अभी इस तरह का क्वेश्चन कराया था दो तीन क्वेश्चन पहले, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर, जो सबसे स्पष्ट फीचर है ना ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का, संसार का। अगला देखिए, अरे मोर का भैया, मोर कंपेरेटिव डिग्री होता है, ये तब आता है जब कंपेरिजन की बात हो, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है, क्लियर, और पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, मच या मेनी होता है, इन दोनों का कंपेरेटिव सुपरलेटिव ऐसे बनता है।
अगला देखिए, अगला है क्रिटिक्स ऑफ द ऑफ टेलीविजन ऑफ एन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट। अच्छा एक बात, तो आर्टिकल द है जिसे डिटर्मिनर बोला जाता है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है, प्रीवेलेंट एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको बताया है कि किसी वर्ड के लास्ट में ई एन टी लिखा हो, ए एन टी लिखा हो, लगा हो, या एल ई डबल एस लगा हो, या एफ यू डबल एल लगा हो, या ओ यू एस लगा हो, क्लियर, तो या आई वी ई लगा हो, तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, यूजलेस हो गया, डेंजरस हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव। तो ई एन टी लगा है तो एडजेक्टिव है, जबकि आर्टिकल द के बाद या आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो प्रीवायलेंट का जो नाउन होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसे प्रीवायलेंस बोलते हैं, एल ई एन सी ई, ई एन सी लगा के इसका नाउन बनता है, ठीक है, प्रसार होता है इसकी हिंदी, तो आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, तो नाउन बनाना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, अगला है जो आपका क्वेश्चन वो ये है, कह रहा है आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिए। देखिए आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है यानी नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, शुड सीरियसली कंसीडर, उनको चाहिए गंभीर रूप से कंसीडर, विचार करना चाहिए, गिवन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा दायित्व, एंड और क्या करना चाहिए, और इम्पावरिंग, शक्ति प्रदान करना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, आगे आर्टिकल द और स्टूडेंट है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव होगा जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हो, तो इस एडजेक्टिव के साथ, और इधर आपने एडजेक्टिव एक और लगाया है जिसे, अरे नाउन है तो ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पे शुड और ये कंसीडर है, तो ये दो वर्ब अगेन आई, ये आई एन जी फॉर्म में वर्ब, ये थर्ड फॉर्म में, दोनों वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है, तो इधर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, जबकि इधर आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाया, और काम कह रहा है कि उस समय काम होता रहना चाहिए यानी शक्ति प्रदान करना चाहिए, तो इसको भी गिविंग की जगह अगर गिविंग कर दें तब सही होगा, क्लियर। तो गिविंग क्या, ये गिविंग का ये सब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, इसको मत नोटिस करिए, क्योंकि ये आपका जो पार्टिसिपल होता है वो नॉन फाइनाइट होता है ना, तो इसके भी तो ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन काम तो ये एडजेक्टिव का करता है, तो ये इसको भी क्या कर लीजिए, गिविंग कर लीजिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अगला देखिए, क्योंकि इधर इम्पावरिंग लगा है और हिंदी भी सपोर्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 52 नंबर, कह रहा आवर स्कूल फैकल्टी एंड, ये तो हो गया, अच्छा नहीं हुआ, देखिए आवर स्कूल फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट सेक्रीफाइस हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन इन आर्डर टू मेक स्टूडेंट्स टेम्प्रेरी हैप्पी। तो ये तो सही दिख रहा है, फिर से समझिए, आवर स्कूल फैकल्टी, जो हमारे स्कूल की फैकल्टी सुविधा है एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशिक्षित करने वाली लोग हैं, शुड नॉट सेक्रीफाइस, उन्हें नहीं सेक्रीफाइस करना चाहिए हाई स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड का, उच्च स्टैंडर्ड का, एंड रेगुलेशन और नियम कानून का, इन आर्डर टू मेक, इन आर्डर टू के बाद आपका वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी सही है, स्टूडेंट्स पे सही तो है, कोई गलती नहीं समझ आ रही, तो नो एरर मार दीजिए। अगला देखिए, अगला है आपका, कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्रेंड एनालाइज एक्सपर्ट स्पेशलाइज इन प्रिडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। कह रहा है ट्रेंड एनालाइज एक्सपर्ट स्पेशलाइज, इसको ऐसे लिखिए, ट्रेंड एनालाइजिंग ना, एनालाइजिंग करिए, एक्सपर्ट, और फिर अगर ये नाउन जो हमारा आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्यूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्यूरल हो जाएगी, है कि नहीं, तो यह हटा दीजिए इसको, इसको ऐसे लिखिए ना, ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है इसका अगर ये फ्रेज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है स्पेशलाइज, विशेषकर या विशेषकृत, क्लियर, तो इसकी जगह आप ये यूज करिए, ऐसे थोड़ी लिखेंगे ट्रेंड एनालाइज, ऐसे नहीं लिखते, इसको एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स करेंगे, पूरा मिलके बनेगा स्पेशलाइज, किसी क्षेत्र में जो स्पेशलाइज हो, और ये वर्ब है तो ये प्यूरल रहेगा, तो वर्ब भी प्यूरल हो जाएगा, गलत तो आप ऐसे भी मार सकते थे, इरर तो देखिए आप मार सकते थे, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट ही प्यूरल था तो ये वर्ब कैसे सिंगुलर हो सकती थी, तो इरर तो आप मार लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हम लोगों का, कह रहा है वन ऑफ द हैजार्ड, बाबू ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन प्यूरल आएगा, तो हैजार्ड की जगह हैजार्ड, हमने कहा था ऑफ सेलेक्शन का भी काम करता है,
सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन होगा तो हमेशा एक से अधिक चीज़ें होंगी, यही वो कारण है कि द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ ईच ऑफ एवरी वन ऑफ वन ऑफ एनी वन ऑफ नन ऑफ 20% ऑफ, इन सब के बाद नाउन काउंटेबल होता है तो हमेशा प्यूरल आता है, क्योंकि सिलेक्शन कई में से एक, कई में से दो, कई में से आधा, कई में से बहुत, तो हमेशा एक से अधिक होंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो हमेशा नाउन प्यूरल आता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से पीछे समझाया था। तो हैजार्ड नाउन है, कैसे पता चला? आर्टिकल द के बाद नाउन आता है, तो हैजार्ड से कर दें तो सही हो जाएगा। अगला देखिए, मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग हैव स्ट्राइविंग कर रहे हैं टू प्रोड्यूस करने के लिए अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स दैट सीम टूडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर। बढ़िए, इसमें क्या गलती है पूरा पढ़िए। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग हैव स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर, अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर दैट जो सीम टूडे, जो प्रतीत हो रही हैं चीज़ें टूडे टू बी होने की इन क्लैश विथ वन अनदर, एक दूसरे से। तो मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग हैव स्ट्राइविंग, वो कुछ स्ट्राइविंग कर रहे हैं। क्लियर? हैव स्ट्राइविंग ये कैसे होगा आप बताइए? हैज हैव हैड के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर कंटिन्यूटी दिखाना तो फिर ऐसे लिख दीजिए, आप हैव की जगह आर लिख दीजिए, तब बन जाएगा कि मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग हैव स्ट्राइविंग, स्ट्राइव कर रहे हैं, तो सही हो जाएगा। हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन जब थर्ड फॉर्म कर देंगे तो परफेक्शन दिखाने लगेगा, तो वो तो दिखाना नहीं है, कंटिन्यूटी दिखाना है, क्योंकि सेंटेंस ही कह रहा है, तो इसलिए आर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। मैनी लगा है ना, इसलिए आर होगा, सिंगुलर होता तो ईज लगा देते, और आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है आपका, जैसा कि इसमें हम लोग देखें अगर, तो लिखा है व्हेन द बिजनेस, जब कोई बिजनेस इज रन तो स्मूथली, मतलब स्मूथली के यहाँ सेंस ये है कि आरामदायक स्थिति में चलता है। देखिए, रन का दो मतलब होता है, रन का मतलब दौड़ना वगैरह भी होता है, बिजनेस वगैरह को चलाना भी होता है। डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी, तो डायरेक्टर्स ज़्यादा खुश होते हैं टू पिक एन एक्सपीरियंस, इस अनुभव को लेने में इनसाइडर हु विल कंटिन्यू, जो करेंगे आगे अलॉन्ग द प्रेजेंट पाथ के साथ। अब आप बताइए, यहाँ पे गलत तो है, इसके बाद रैन लगा देंगे तो पैसू हो जाएगा, पैसू तो बना नहीं है। कह रहा है कि अगर बिजनेस चल रहा होता है ना तो कंटिन्यूटी बता रहा है, तो अगर आप इज रनिंग कर दें, इज रनिंग, तो आपका सही हो जाएगा। तो इज रन थोड़ी, इज रनिंग चल रहा है, कंटी स्मूथली मतलब धीरे धीरे जो बिजनेस चल रहा है। क्लियर? तो ये कंटिन्यूस का सेंस है, तो इज रनिंग कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगला देखिए, 157 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है साइंटिस्ट जो हैं वो शो करते हैं दैट की देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप, यहाँ पे एक क्यूरियस उत्सुकतापूर्ण या जिज्ञासु रिलेशनशिप है एमंग अ लायंस लाइफ, एक लायन के लाइफ में स्पैन में, एंड द पैटर्न ऑफ, अच्छा एंड लगा है, तो माई डियर जब एंड लगा रहता है तब एमंग थोड़ी आता है, तब बिटवीन आता है। मैंने इस चीज़ को बहुत बार आपको एक्सप्लेन की है कि देखिए आपने पढ़ा होगा, जब कंपैरिजन की बात आए और उस कंपैरिजन में बीच की हिंदी आए कि बीच में, तो तब बीच में की बात आती है तो दो की बात हो तो हम बिटवीन लगाते हैं, और या फिर मोर देन टू की बात हो यानी दो से अधिक की बात होती है तो हम लोग एमंग नॉर्मली लगाते हैं। क्लियर? और बिटवीन एक जगह और लगाते हैं कि आगे अगर एंड दिया हो तो भी हम बिटवीन ही लगाते हैं, चाहे दो की बात हो चाहे दो से अधिक की बात हो। तो वही वो केस है कि यहाँ एंड लगा था तो हम लोग एमंग ना लगा के क्या लगाएंगे? बिटवीन। ये प्रीपोजिशन में की एरर है। अगला देखिए, कह रहा है कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में वो कर्नाटक रिसीव करता, प्राप्त करता बरसात, और साथ होती है वेयर एज, जबकि तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन, जबकि तमिलनाडु जो है डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज़ टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। थोड़ा अच्छे समझिए नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कर्नाटका जो है रिसीव मतलब प्राप्त करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल, जो उसकी सालीना बरसात और साथ का है वो बहुत सारी बरसात को प्राप्त करता है। इसका मतलब कर्नाटक में बरसात होती है, कब होती है? ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में या उस दरमियान बरसात वहाँ होती है। वेयर एज, जबकि तमिलनाडु जो है डज नॉट गेट मच देन, वो ज़्यादा नहीं प्राप्त करता। क्या नहीं प्राप्त करता?
एंड इट हैज़ टू वेट, और उसे इंतज़ार करना पड़ता है। स्टिल, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था जब मैं एट और स्टिल को बता रहा था। एट और स्टिल, स्टिल का तो मतलब होता है अभी भी, अभी तक या अभी भी, क्लियर। ये कंटिन्यूअस टेंस में नर्वी लगाते हैं, जैसे इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी तक बरसात हो रही है, अभी भी बरसात हो रही है। लेकिन एक वर्ड होता है टिल, टिल मतलब तक, टिल मतलब तक। ये टाइम को, टाइम के रेफरेंस के लिए आता है, मंडे तक, संडे तक, आपके लौटने तक। तो वही कह रहा है एडवेंट मतलब आगमन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून के लौटने के इंतज़ार करने तक। तो यहाँ तक का सेंस है ना, तो स्टिल की जगह टिल होगा। देख रहे हैं कितना माइन्यूट इरर है, टिल, टिल तक का सेंस टिल देता है, स्टिल का मतलब तो अभी भी होता है, तो थोड़ी सी माइन्यूट इरर थी, स्टिल प्रीपोजिशन की जगह टिल आएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 159 में, क्या कह रहा है, एजुकेशन इज अ क्या इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज, जो नॉलेज प्रदान करता है, एंड और देयर फॉर इसीलिए इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। बाबू एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट आप लिखेंगे तो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट, कॉन्सोनेंट की नहीं, वावल की आ रही, वावल की आ रही है, जब वावल की साउंडिंग आ रही तो ए नहीं एन आता, जैसे हम लोग आनेस्ट लिखते हैं, आनेस्ट, तो आनेस्ट में साउंडिंग आ की आ रही, इसलिए हम लोग एन आनेस्ट लगाते हैं, एन इंटरेस्टिंग बुक बोलते हैं ना, तो उसी तरह से इसकी साउंडिंग कॉन्सोनेंट नहीं वाउल है, तो इसलिए हम लोग ए नहीं एन लगाएंगे। अगला, प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स अ गुड डील अंडर, तो अंडर नहीं आन या अपान होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो डिपेंड वर्ब है, डिपेंड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है आन या अपान लगता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, तो डिपेंड आन या अपान, क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा और चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत से आपके लिए चीज़ें लाई जाती हैं, आपके शेयर और जो ये आपका लाइक वगैरह होता है, इसी से हम थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वर्क करते हैं। ठीक है, टेक केयर।